कोल्ड कॉफी, क्योंकि हो रही है गर्मी। ये देखिए, देखो देखो, कोल्ड कॉफी। गर्मी हो रही है, शाम का टाइम है, चाय नहीं पी जाती। नींबू वाली ठीक है, अच्छी लगती है, बट कभी कभी कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। गर्मी लग रही थी इसलिए ठंडा पानी पी नहीं रहे। आज ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी बनाई है, और आज कोल्ड कॉफ़ी इतनी ज़बरदस्त बनी है, कुछ नए तरीके से बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बर्फ़ खा रहा है। आपके लिए मैं टेस्ट करके बता दूँगी कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है, और भगवान की दुआ से हमारे घर में हर्षी सिरप भी पड़ा हुआ था, तो उस तरीके से काम भी आ जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, ख़त्म नहीं हो रहा था, मगर ख़त्म ही कर देते हैं उसको ना बर्फ़ खाने के लिए। और इसे देखिए, ये ले, ये बैठा है बर्फ़ खाने के लिए। बर्फ। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में होती है बसोड़े की पूजा, तो उसके लिए प्रसाद के लिए मैंने यहाँ चावल भिगो दिए हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ को गर्म पानी में कर दिया है पूर वगैरह बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, तो हमारे घर में ना बसोड़े की पूजा होती है, और किस किस के घर में ये बसोड़े की पूजा होती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बसोड़े की पूजा मीन्स जैसे होलिका दहन होती है, तो होली गर्म होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए शीतला माता को, मतलब शीतला माता की पूजा की जाती है ये, मतलब। और बाकी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो वो गर्मी हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ना करे, तो उस चीज़ के लिए ये शीतला माता की पूजा की जाती है, तो इसको कहते हैं बसोड़े की पूजा। और बसोड़े की पूजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बासी खाना जो होता है, ठंडा खाना जो होता है बासी, एक दिन पहले बनाया हुआ, उस खाने से पूजा होती है। तो कल के लिए हम आज रात को खाना बना लेंगे, और उससे फिर हम कल पूजा करेंगे। तो ये सबके घर में होता है ज़्यादातर, जिसको पता होगा बसोड़े की पूजा क्या होती है। तो किस किस के घर में बसोड़े की पूजा होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर जिसके घर में भी बसोड़े की पूजा होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना वो लोग। तो बस वही बेसिकली टाइम हो गया है, किचन बस थोड़ी सी साफ़ करनी, बर्तन बर्तन माँज दिए, मतलब बर्तन लगाने हैं, बर्तन लगा के, और बस मैं फिर पूजा के खाने की तैयारी करती हूँ, पूजा का खाना वाना बना के रखती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर हो रही है कल की सब्ज़ी की तैयारी। मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं ये गोभी वगैरह काट लेती हूँ, सब्ज़ी वब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मीठे जो चावल वगैरह जो होते हैं, मीठे जो भी मतलब प्रसाद का जो सामान होता है वो बनाऊँगी, और जो पूजा का सामान होता है वो भी बनाऊँगी। अभी पहले खाने वाला बना कर रख देती हूँ, फिर रात को किचन साफ करके ना, मतलब थोड़ी देर के बाद किचन साफ करके फिर मैं पूजा वाला सामान बना के रख दूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। तो गाइस देखिए, अंधेरा हो चुका है और हवा चल रही है, पर यहाँ अभी नीचे नहीं लग रही, ऊपर तो लग रही होगी। तो थोड़ी देर चलिए, चावल वावल का पानी चढ़ा दिया है, पूजा का मतलब पूजा के लिए जो थे वो बन रहे हैं। और तो गाइस देखिए, मौसम हो चुका है, मौसम ठीक है, मतलब हवा चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन नीचे यहाँ नहीं लग रही, तो छत पे चलते हैं। तो मैंने चावल का पानी तो चढ़ा दिया है, ये चावल जो बनते हैं उसका पानी चढ़ा दिया है मैंने। मैं लाइट जला लेती हूँ, पहले आपको दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा हो चुका है। हाँ, यहाँ पर कितनी अच्छी हवा लग रही है छत के ऊपर। और जैसे क्या होता है, मैंने पौधों में पानी नहीं डाला था, आज मैं पौधों में पानी डालने नहीं आई थी, और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना नीचे, इतनी गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है नीचे। तो बस मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े से चक्कर लगाऊंगी, 8-10 चक्कर लगाऊंगी, जिससे कि मेरी वॉक हो जाए, क्योंकि वैसे और घर से बाहर तो कहीं निकलना इतनी जल्दी हो नहीं पाता, कभी कोई काम हुआ बहुत रेर भी तो घर से बाहर निकले, अदरवाइज तो घर से बाहर निकलना नहीं हो पाता। एक पीछे इतने शोर शराबे आ जाते हैं, कुछ भी बात करो पीछे से इतना शोर शराबा, कभी कहीं मशीन चल रही है कुछ। तो जैसा कि आप सबको पता है, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो बस गर्मियों में तो ना जो हवा लगती है ना ठंडी ठंडी, तब बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा में ऊपर शाम के टाइम छत पे आओ घूमो, और ये शाम के टाइम इतना पानी बेचारे के पत्ते भी होगा, पौधे को पानी की ज़रूरत इतनी थी नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ की धूप अभी पड़ी नहीं है ना यहाँ पर अभी, मतलब कल ही पानी डाला था। शाम के टाइम जब नीचे खाना बन रहा है ना, तो पूरे घर में ना गर्मी गर्मी हो जाती है, कितना भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह चला लो फिर भी गर्मी हो ही जाती है। और खाना बनाने के ना घंटे 2 घंटे बाद तब जाके ना रूम का जो टेम्परेचर है वो बड़ा नॉर्मल होता है, वरना कमरों में भी ना इतनी आग सी, इतनी गर्माहट सी लगती है, और जब गर्मी लग रही हो और ऊपर छत पे आ जाओ और हवा चल रही हो, ओए होए क्या मज़े आते हैं ना, कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो
तो वही शाम के टाइम छत पे घूमने में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और पेड़ पौधे बहुत हरे हरी और देखने को मिले और फूल खिले हुए हों बहुत सारे तो और भी अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि इस तरफ लाइट थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ तक इतनी रोशनी नहीं पहुँचती, तो यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको मेरी ऊपर से नीचे आ गई थी आके, फिर मैंने प्रसाद प्रसाद जो था वो बना दिया था, खाना वाना तो आपको पता पहले ही हो गया था, तो मतलब प्रसाद बना के रख दिया है, अभी का जो खाना वाना था वो सब भी हो गया। और यहाँ देखा जा रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और खाना खाते खाते अगर सामने कुछ ना हो, हम इंडियंस की खासियत है ये कि जब तक हमारे खाने के आगे टीवी या फ़ोन कुछ नहीं चलेगा ना, तब तक खाना हजम नहीं होता। ये देखो जैसे ही है ना, हजम नहीं होता ना किसी का भी आजकल के जमाने के साथ। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को तो आपको पता ही है, फ़ोन चाहिए, मिनट से पहले फ़ोन चाहिए, कि खाना भी तभी, एक निवाला भी वो तभी खाएंगे जब उनके हाथ में फ़ोन होगा, वो चीज़ गलत है। हाँ टीवी वगैरह तक का तो ठीक है, टीवी देख रहे हैं, बट हाथ में फ़ोन लेना ना ये गलत है। बाकी हमारे भी ऐसे ही हैं, गलत तो खैर क्या ही, आजकल में क्या ही बोले, क्या ही सिखाए बच्चों को। तो चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर हम बाहर वॉक करते हैं, खाना वाना हो गया, थोड़ी देर बाहर वॉक करते हैं फिर मिलते हैं। तो हमारा रात का खाना वाना हो गया है और पूजा का सामान भी सारा बन गया था, तो बस अब बाहर थोड़ी हवा अच्छी चल रही है, अंदर गर्मी हो रही थी तो मैं थोड़ा बाहर बालकनी में आ गई हूँ घूमने के लिए। तो खाना वाना खा के बस थोड़े से चक्कर लगाऊंगी यहाँ पर, फिर अपना आराम से सोएंगे, फिर आपके लिए ब्लॉग एडिट करना है क्योंकि कल सुबह आपको ब्लॉग भी तो देना है। और बाकी पूजा का सामान तो पूरे सबके भूखे होते हैं, तो किसके घर में बसौड़ा बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बसौड़ा बोलते हैं, बाकी आपके मतलब आपके रिलीजन में क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या बोलते हैं। और बस वही है, सब कुछ होता ही। और हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। ठीक है, आपके लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।